एक संत थे, वह गोकुल में कई शिष्यों को शिक्षा देते थे। जिनमें से एक शिष्य ऐसा था कि वह पढ़ने में कमजोर था, उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं था, कुछ करने का मन करता ही नहीं था। सभी शिष्य जानते थे कि यह किसी लायक नहीं होगा, यह कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता है। लोग उसे दुदारते थे, लोग उसे बुरा भला कहते थे, और यहाँ तक संत भी उसे बुरा ही समझते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि यह आगे बढ़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक बड़ा होता गया। जब संत ने सभी शिष्यों से कहा, अब आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब आप सभी लोग अपने पैर को आगे बढ़ाओ, कामयाब बनो और हमारा नाम रोशन करो, सभी शिष्य उस आश्रम से निकल गए और हर लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करने की शुरुआत की। सभी लोग अपने क्षेत्र में माहिर बने, काफ़ी निपुण शिष्य बने और संत काफ़ी ज़्यादा खुशी हुए कि हमारे शिष्य काफ़ी कामयाब हुए। लेकिन जिनमें से एक शिष्य ऐसा था वो जो क्युआ कुछ हो ही नहीं पाया। संत भी उसे बुरा भला कहने लगे कि तुम ही ये एक हो जो हमारा नाम खराब कर रहे हो, हमारे आश्रम का भी। और शिष्य भी उसे दुदारने लगे, उसे मारने लगे, उसे धिक्कारने लगे, तुम कलंक हो हमारे समाज का, हमारे ग्रुप का, जो तुमने नाम खराब करके रख दिया। तुम मर ही जाओ तो अच्छा रहेगा हमारे आश्रम के लिए, लेकिन तुम मरते भी नहीं हो। इतना सब सुनकर वह शिष्य सुनता रहा लेकिन कुछ बोलता नहीं था। उसे भी अपने आप पे घृणा आने लगा कि वास्तव में सभी शिष्य कुछ न कुछ तो हासिल कर ही लिए, सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ कर ही नहीं पाया। उसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस होने लगा। फिर वह पैसे की तलाश में घर छोड़कर निकल गया बाहर एक शहर में। वहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत मजदूरी की, उसे 5 पैसे 10 पैसे मिलता रहा, जिससे उसका सिर्फ पेट ही पलता रहा। धीरे धीरे उसे और कुछ आइडिया आने लगे। उसने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया, वह था चाय बनाने का। वह धीरे धीरे चाय बनाने लगा लोगों के लिए। कई सालों तक वह चाय बनाता रहा। आश्रम के सभी मेंबर एक बार घूमने गए, संत भी और संत के सभी शिष्य भी, और धीरे धीरे गए और वहाँ उस शहर में वो लोग गए और उन्होंने देखा कि हमारा ही शिष्य यहाँ पर चाय बेच रहा है। उन्हें और क्रोध आई कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम तो हमारे ही समाज में हमारा नाक कटा रहे थे, लेकिन शहर में भी तुमने नहीं छोड़ा, तू इतना नीचे गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। संत भी उसे बुरा भला कहने लगे और जो शिष्य थे वह भी गुस्से में उसे मारने लगे और उसके टपरी को तोड़ फोड़ दिया और वो वहाँ लुटते चले गए। वह आदमी रोने लगा कि मेरा किस्मत ही खराब चल रही है। फिर धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की। वह कंटिन्यू 5 से 10 साल चाय बेचता रहा और धीरे धीरे उसने उसे रेस्टोरेंट में बदल डाला। फिर कई दिनों के बाद उसे होटल में बदल डाला और एक मशहूर होटल बना डाला। तब फिर संत कई साल के बाद उस शहर में घूमने के लिए गए। वह शिष्य जो होते हैं ना, उन्हें घुमाने के लिए वहाँ पर ले गए थे। जब वहाँ पर गए तो वह देखे एक बड़ा सा होटल है, उन्होंने सोचा चल इस पर चलपान ही किया जाए। उन्होंने गया और वहाँ पर उसकी तस्वीर लगी थी जो उसके शिष्य था जो कमज़ोर था। इतना सब देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई और वहाँ पर वो बैठा था सोफे पर। उसे बुलाया और फिर संत को देखकर उसने नमस्कार किया और फिर पता चला कि मालिक वानर होटल का यही है। तब जाकर उन्हें लज्जा आई, उनके शिष्य को भी लज्जा आया कि कोई भी बंदा कमज़ोर नहीं होता है, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह संत बोले, मैं बहुत गलत समझता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर किसी की किस्मत उसके हाथ में होती है, अगर बदलने की कोशिश किया जाए तो हर इंसान बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भले ही दुनिया आपको धिक्कारे, भले ही आप कामयाब अभी नहीं हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, सफलता खुद आपके पास आएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक ये दोस्त, टाटा बाय बाय।